बात करते हैं तहसीन जी से। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? आज बहुत अच्छी लग रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम ठीक हैं, आप ठीक हैं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम हसीन साहब। वाले सलाम, जीती रहिए तहसीन। आप कैसी कैसे हैं? सब खैरियत है, आप बताएं। आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारक आपको भी, सलामत। मैम मेरे दो सवाल है, ठीक से लिख लीजिएगा। बताइए। मैम मेरा पहला ये सवाल है, ऋषभ गोल, अलसी, चिलगोजा गोल, नमक जैतून और सोडा एक साथ खा सकते हैं एक ही पानी से? और मैम मेरा दूसरा ये सवाल है, मोरिंगा गोल और सोडा वो मतलब अलग, जैसे किसी और टाइम जैसे किसी और को देना तो मोरिंगा गोल और सोडा खाया जाता है कि नहीं, ये जानना है। ठीक, पहले में तो ऋषभ गोल के साथ है तिलगोजा खाना, मॉर्निंग के साथ सोडा खाया जाता है कि नहीं, ये जानना है। ठीक है, ठीक है मैम। देखिए वो जो जो चार चीजें आपने मालूम की हैं वो एक साथ ले सकते हैं, लेकिन गोंद चिलगोजा एक चुटकी से ज़्यादा कभी ना खाएं पूरे पूरे दिन में, एक चुटकी ही रहे, बाकी चीज़ें आप इसके साथ में ले सकते हैं। और मोरिंगा गोंद के साथ सोडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।